हेलो स्टूडेंट्स, एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हम सबको पता है गेट हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. ओके, अगर हमें किसी गुड पीएसयू में जॉब सिक्योर करनी है या हमें किसी टॉप के आईआईटी में एमटेक करना है, ओके, तो हमें गेट में अच्छा रैंक अचीव करना होगा, या हमें हम कह सकते हैं कि हमें गेट को क्रैक करना होगा सक्सेसफुली. ओके, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ कि हाउ टू क्रैक गेट इन 90 डेज विथ डिजीमेंटो. ओके, मीन्स 90 डेज में आपकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है ताकि आप गेट में एक अच्छा रैंक अचीव कर लें. ओके, तो इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स समझने होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा है, क्रैक गेट इन 90 डेज विथ डिजीमेंटो. तो पहले आप ये समझ लीजिए कि डिजीमेंटो है क्या. ओके, डिजीमेंटो एज अ टीम हम कौन है. ओके, तो व्हाट इज डिजीमेंटो. अगर मैं आपको ब्रीफ पे समझाने की कोशिश करूं कि व्हाट इज डिजीमेंटो, तो एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है, अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर हिमांशु कौशिक वी आर द टीम ऑफ फुली डेडिकेटेड एंड मोटिवेटेड फैकल्टीज हु वॉन्ट्स टू गिव यू ऑल द रिक्वायर्ड टेक्निकल कंसेप्ट इन वेरी वेरी इकोनॉमिकल easy and detailed manner. Okay, ये हमारी strategy है, basically यही है Digiimento. Okay, now हमारा target क्या है, what we want. हमारा target ये है कि as a student आप किसी भी technical exam की preparation कर रहे हो, suppose करिए आप gate की preparation कर रहे हैं. Okay, तो हमारा target ये है कि gate के जितने भी subjects हैं, हर एक subject का detailed concept via video lectures हम आपको provide करें. Okay, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं उस कंसेप्ट को समझने के लिए, उन वीडियो लेक्चर्स में हम आपको प्रोवाइड करें. ओके, ताकि आप उन वीडियो लेक्चर्स को सुन के ही बहुत ही अच्छी तरीके से समझ के गेट को क्रैक कर सकें, गेट में एक अच्छा रैंक अचीव कर सकें. ओके, और हमारा टारगेट यही है कि हम आपको जितने ईजी से ईजी मैनर में डिटेल्ड कंसेप्ट प्रोवाइड कर पाएं. ओके, हम बेसिकली कोशिश ये कर रहे हैं कि हम आपको बिल्कुल लो लेवल से लेकर मैक्सिमम लेवल तक कंसेप्ट प्रोवाइड कर पाएं, और इतने इजी लेवल में करें कि आपको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके, तो यही है बेसिकली डिजीमेंटो. ओके, नाउ डिजीमेंटो क्या है ये समझ जाने के बाद अब हमारे सामने नेक्स्ट पॉइंट है कि वाई डिजीमेंटो. ओके, डिजीमेंटो ही क्यों. ओके, तो वाई डिजीमेंटो, इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पॉइंट समझना होगा कि वाई वीडियो लेक्चर, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप इस पॉइंट को नहीं समझ पाएंगे कि वाई वीडियो लेक्चर्स, तब तक आप इस पॉइंट को भी नहीं समझ पाएंगे कि वाई डिजीमेंटो. तो मैं यहां पर सबसे फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूं, वाई वीडियो लेक्चर्स. ओके, तो वीडियो लेक्चर्स क्यों, ठीक है ना, तो ये पॉइंट समझने के लिए आपको यहां पर कंपैरिजंस करने होंगे. ठीक है, तो हमारे पास थ्री ऑप्शंस होते हैं. सपोज करिए मैं गेट का ही एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, तो हमारे पास थ्री ऑप्शंस होते हैं. एक होता है आपके पास कोचिंग सेंटर, आप जा सकते हैं. ओके, एक होता है आपके पास कि आप पोस्टल कोर्स ले सकते हैं किसी भी कोचिंग सेंटर से. ओके, पोस्टल स्टडी, या इसी में आप एक और ऐड कर सकते हैं, फ्रेंड्स नोट्स, किसी भी आप फ्रेंड से आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी कोचिंग सेंटर में है. और एक और होता है लास्ट, जो कि होता है वीडियो लेक्चर. ओके, तो हमें क्यों वीडियो लेक्चर्स की तरफ जाना चाहिए, या हमें क्यों कोचिंग की तरफ जाना चाहिए, या हमें क्यों पोस्टल स्टडी की तरफ जाना चाहिए. तो यहां पर मैं तीनों ऑप्शंस का डिटेल्ड कंपैरिजन करूंगा. आप यहां पर समझिएगा, जो कोचिंग है, ठीक है, कोचिंग के अपने एडवांटेजेस बहुत हैं, ठीक है ना. कोचिंग में जब आप जाते हैं, ठीक है, तो आपकी एक शेड्यूल बनता है कि आप 4 आवर्स या 5 आवर्स की जो क्लास करते हैं कोचिंग में, 4 आवर्स टू 5 आवर्स की, वहां पर आपका एक नियम बनता है कि उस स्टडी को आप रोज ही करेंगे. क्योंकि जब आप क्लास में जाते हैं तो आपको क्लास में वो चीजें सीखने को मिलती हैं, और जो एक अच्छा स्टूडेंट है उन चीजों को घर आके जरूर रिवाइज करता है. तो डेली आपको 4 टू 5 आवर्स का एक आपका शेड्यूल बन जाता है कि आपको डेली का 4 टू 5 आवर्स की एक स्टडी, एक कंसेप्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है. और दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोचिंग में, वो है आपका फैकल्टी. ओके, ये फैकल्टी तो आप बोलेंगे वीडियो लेक्चर्स पे भी अवेलेबल है,
लेकिन कोचिंग में फैकल्टी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको कोचिंग में जब फैकल्टी अवेलेबल होती है तो आप उनसे डाउट्स पूछ सकते हैं जब चाहें। ओके, तो आपको फैकल्टी जब आपकी क्लास भी लेती है तो आप फैकल्टी के सारे एक्सप्रेशन देख सकते हैं, आप क्लास के बीच में भी डाउट्स पूछ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कोचिंग सेंटर में अवेलेबल मिलती हैं। ओके, नाउ अब अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं, डिसएडवांटेज मैं नहीं बोलूंगा इसे, ये किसी के लिए एडवांटेज भी हो सकता है, किसी के लिए डिसएडवांटेज हो सकता है। ओके, मींस अगर मैं बात करूं कि आपके लिए सुटेबल क्यों नहीं है ज्यादा कोचिंग सेंटर, तो यहां पर आपको समझना होगा कि जो कोचिंग सेंटर्स की जो फीस है आज की डेट में, मैं टॉप की कोचिंग सेंटर्स की बात कर रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट जो कोचिंग सेंटर्स की फीस है वो बहुत हाई है, ठीक है ना। तो अब अगर आप हाई फीस देने में, ठीक है ना, कैपेबल नहीं है, या आप इतना मनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए कोचिंग सेंटर ज्यादा सुटेबल नहीं है। ओके, और सेकंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि टॉप की कोचिंग्स के लिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको अपनी सिटी चेंज करनी होगी, ठीक है। मैक्सिमम जो कोचिंग्स हैं टॉप की वो दिल्ली, हैदराबाद इन सिटीज में ही है, तो आपको अपनी सिटी चेंज करनी होगी, ठीक है ना। सिटी चेंज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब आप नई सिटी में जाते हैं तो वहां पर भी आपको फूड के लिए, लॉजिंग के लिए अलग से पे करना होता है। तो एक तो हाई फीस और एक तो लॉजिंग एंड फूडिंग, ये सब मिला के आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है जब आप कोचिंग का ऑप्शन चूज करते हैं। ओके, और एक और पॉइंट है कि आप जब भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली का 4 to 5 आवर्स आपको क्लास के लिए जाना होता है। तो क्लास के जाने और आने में जो टाइम लगता है, किसी भी सिटी में हो आप, आपको क्लास के आने जाने में जो टाइम लगेगा वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके ना, तो टाइम ये भी मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं कि डेली मान लीजिए आपको हाफ एन आवर जाने में लग रहा है, हाफ एन आवर आने में, हो सकता है कुछ कुछ बच्चों को 2 to 2 आवर्स भी लगते हों, लेकिन मैं यहां पर हाफ एन आवर ही लेके चल रहा हूं। तो डेली का 1 आवर आपको उसमें देना होगा आने जाने में। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स बोल सकते हैं आप डिसएडवांटेज, या बोल सकते हैं जो नॉट सुटेबल है कुछ बच्चों के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, अगर आप फी पे कर सकते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो कोचिंग सेंटर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप किसी टॉप की कोचिंग को ज्वाइन करते हैं सोच समझ के, ठीक है ना। तो कोचिंग सेंटर इज अ वेरी गुड ऑप्शन, मैं कभी भी डिनाई नहीं करूंगा, ठीक है। नाउ अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं, जो कि है पोस्टल स्टडी और फ्रेंड नोट्स, ठीक है, अगर आप पोस्टल स्टडी लेते हैं किसी कोचिंग से या आप किसी फ्रेंड्स के नोट्स लेते हैं, तो यहां पर मैं आपको एक ही पॉइंट बोलना चाहूंगा कि ये इतना सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप नोट्स देते हैं, चाहे आप बुक के फॉर्म में लें चाहे आप फ्रेंड्स के नोट्स लें, आपको सारी चीजें खुद से समझनी होती है। और अगर आपका टारगेट जो है वो 90 डेज में गेट क्लियर करने का है, 90 डेज में प्रिपरेशन करने का है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके लिए कि आप सारी चीजें खुद से समझ भी जाएं, ठीक है, उस कंसेप्ट को दिमाग में भी रख लें, और उस कंसेप्ट से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लें, टेस्ट भी दे लें, ये बहुत ही कम समय हो जाएगा। तो अगर आप नोट्स के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 1 ईयर फुल डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करनी होगी। ओके, तो 90 डेज वाले पॉइंट में मैं यहां पर इस पॉइंट को कंसिडर ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो जो सेकेंड ऑप्शन एक्चुअली में थर्ड ऑप्शन है, बट इस पॉइंट को हम कंसीडर नहीं कर रहे, तो ये सेकेंड ऑप्शन हो जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है आपके पास वो है वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर्स की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है आपकी लो फीस, ओके, एज कंपेयर टू कोचिंग सेंटर्स। ओके, और सेकेंड जो है एडवांटेज है आपकी, नो नीड टू चेंज सिटी। ओके, आपको सिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, आप अपने घर में बैठे बैठे ही वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ना तो आपको ट्रेवलिंग टाइम लगेगा, ना ही आपको सिटी चेंज करनी है, तो यहां भी आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बच जाता है। ओके, तो यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन उसके अलावा भी जो हमने यहां पर स्टडी किया था कोचिंग में, कि 4 to 5 आवर्स आपको डेली क्लास मिलती है, आपका शेड्यूल बनता है, फैकल्टी आपकी अवेलेबल रहती है, वो आपको यहां भी मिलेगा। देखिए अगर आप वीडियो लेक्चर्स लेते हैं, ओके, तो वीडियो लेक्चर्स में भी आप डेली के 4 to 5 आवर्स के वीडियो सुन सकते हैं। इसके लिए मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बताऊंगा अभी आने वाले समय में, नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको मैं समझाऊंगा पूरी स्ट्रेटजी,
कि वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपको गेट कैसे क्रैक करना है 90 डेज में, ओके okay? इसी वीडियो में हम इस बात को भी स्टडी करने वाले हैं, ओके okay? तो यहां पर आप वीडियो लेक्चर्स को भी डेली 4 to 5 आवर्स सुन सकते हैं, अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बना सकते हैं। जहां भी आपको डाउट्स हो वो आप फैकल्टी को मेल कर सकते हैं यहां पर, ठीक है ना। आप doubts@gatelectures.com इस ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं फैकल्टीज को कि आपको क्या डाउट है। नो डाउट, इंस्टेंट डाउट आप नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन जैसे ही आपने वीडियो लेक्चर सुना आपको जो भी डाउट्स हैं उसे आप लिख लीजिए, ओके okay? और वहां पर आप उसे मेल कर दीजिए, ठीक है। वैसे भी कोचिंग सेंटर में भी इंस्टेंट डाउट आप सिर्फ क्लास में ही पूछ सकते हैं, ओके okay? क्लास के बाद आप जब घर जाके स्टडी करते हैं तो उस डाउट्स को आप लिख के ही रखते हैं कि मुझे नेक्स्ट डे ये डाउट्स फैकल्टी से पूछने हैं, ओके okay? तो यहां भी आप वही काम करने वाले हैं, ओके okay? तो नो डाउट दोनों ही ऑप्शन बहुत ही बढ़िया हैं, कोचिंग एंड वीडियो लेक्चर्स, ओके okay? बट अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है, अगर फीस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वीडियो लेक्चर्स की तरफ आपको जाना है। लेकिन यस, अगर आप इतना मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कोचिंग सेंटर भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। मैं किसी ऑप्शन को यहां डिनाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी सुटेबिलिटी होती है, ठीक है, हर पर्सन की, हर एक स्टूडेंट की अपनी चॉइस होती है, ठीक है। नाउ अगर मैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करूं जो कि है हमारा वाई डिजीमेंटो, हमने स्टार्ट यहीं से लिया था, फिर हमने पहले स्टडी किया है वाई वीडियो लेक्चर्स, अब हम इस पॉइंट को समझ सकते हैं कि वाई डिजीमेंटो, ओके तो वाई डिजीमेंटो, इस पॉइंट को समझने के लिए आपको ये पॉइंट थोड़ा समझना होगा यहां पर कि यहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं वीडियोस की फील्ड में, ओके okay? आप वीडियो लेक्चर्स कहीं से भी बाय कर सकते हैं, ओके okay? लेकिन इस पॉइंट को यहां समझिएगा कि जो हमारा जो एम है, जैसा मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी बताया यहां पर कि हमारा एम है कि बहुत ही ईजी एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर में आपको डिटेल्ड कंसेप्ट देने का है, ओके डिटेल्ड कंसेप्ट किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से लेकर मैक्सिमम लेवल तक हम आपको कंसेप्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। यहां पर जो फैकल्टीज ही होंगी, आपकी फैकल्टीज भी आपकी सारी की सारी यहां पर उस एग्जाम में टॉप रैंकर्स ही होंगी, गेट में टॉप रैंकर्स फैकल्टी ही आपको टीच करेंगी, ठीक है ना। तो आपको जो फैकल्टीज होंगी वो भी हाईली एक्सपीरियंस और गेट में टॉप रैंक लाई हुई फैकल्टी ही होगी, ठीक है, जो आपकी कोचिंग सेंटर में भी टीच करते हैं, ओके तो हमारा एम यही है यहां पर कि आपको गुड कंसेप्ट प्रोवाइड करना है। पर आप ये बोलेंगे, अब ये तो हर कोई बोलेगा फिर, ठीक है ना, तो हम डिजीमेंटो के साथ ही प्रिपरेशन क्यों करें, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट समझना होगा, आप ध्यान से हमारे चैनल पर जाइए और एक एक वीडियो को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। देखिए, अगर मैं किसी एक ब्रांच का यहां पर एग्जांपल ले लूं, सपोज करिए यहां पर मैं ईसीई का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, ठीक है, बाकी सारी ब्रांचेस के लिए भी सेम है, ठीक है। तो यहां पर समझिएगा, जैसे कि ईसी में आप देखिए आपके कंट्रोल सिस्टम के वीडियोज अवेलेबल हैं, आपके सिग्नल सिस्टम के वीडियोज अवेलेबल हैं, ओके आपके वीडियोस अवेलेबल है कम्युनिकेशन सिस्टम के, ओके एंड आपके वीडियोस अवेलेबल है यहां पर नेटवर्क थ्योरी के वीडियोस अवेलेबल है आपके पास, ओके एंड आपके पास वीडियो अवेलेबल है मैथमेटिक्स के, कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको समझना होगा कि जो वीडियोस हम अवेलेबल करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक या दो वीडियो अपने चैनल पे डाले हुए हैं जिसे आप वॉच कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट को समझिए, मैक्सिमम जगहों पे आप देखेंगे एक या दो वीडियो होते हैं सैंपल के लिए, ठीक है, और वो जो एक या दो वीडियो होते हैं वो बहुत अच्छे बनाए जा सकते हैं, ओके बाकी के रिमेनिंग वीडियोस हो सकता है उस क्वालिटी के ना हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल बैड ही क्वालिटी होगी, हो सकता है बहुत अच्छे भी हों वो भी, ठीक है, लेकिन हो सकता है ना भी हो, ठीक है। तो इस पॉइंट को समझिएगा, यहां पर हमने हर एक सब्जेक्ट के यहां पर 20 to 25 वीडियोस डाले हुए हैं, ओके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है ना, 20 to 25 वीडियोस। और अगर मैं परसेंट वाइज बात करूं सब्जेक्ट के परसेंट वाइज, तो आप कह सकते हैं हमने यहां पर 20%, ठीक है ना, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो डाला हुआ है, ओके तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है
कि 25 या 20% जब आप वीडियोस को देखते हैं, ओके, और वो वीडियोस अगर आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है, और आप उस वीडियो की क्वालिटी को अप्रिशिएट करते हैं, तो आपको रिमेनिंग जो बाकी सब्जेक्ट रह गया है 80% या 70%, वो भी आपको उसी क्वालिटी का ही मिलने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि 20 या 25% इज अ ह्यूज परसेंटेज, ओके। इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि क्या आपको ये सब्जेक्ट समझ में आने वाला है वीडियो लेक्चर्स के थ्रू या नहीं, ओके। और जब आप 20 टू 25% सब्जेक्ट को समझते हैं वाया वीडियो लेक्चर्स, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप उससे रिलेटेड गेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रैक्टिस बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना, पूरे नहीं तो एटलीस्ट 70 टू 80% क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप इन वीडियोस के थ्रू गेट की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, वाई डिजीमेंटो, इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए कि आप हमारे चैनल पर जाइए, ओके, और किसी भी सब्जेक्ट को उठा लीजिए आप, जैसे कि आप सपोज करिए आप ले लेते हैं कंट्रोल सिस्टम को, तो आप कंट्रोल सिस्टम को लेकर जितनी वीडियोस अवेलेबल हैं, सारी की सारी वीडियोस आप स्टेप बाय स्टेप सुनते चलिए, जो भी डाउट्स हैं उसे आप हमारे ईमेल आईडी पर डाउट सेंड करके क्लियर करते जाइए, या आप कमेंट सेक्शन पर आप डाउट लिख लीजिए, ठीक है, मैं उन डाउट्स को क्लियर कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको आपको एक क्लियरेंस मिल जाएगी कि आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ओके। यहां पर एक पॉइंट और समझने वाला है, देखिए हमने इतनी सारी वीडियोस क्यों डाली हुई है, क्योंकि हमारा एम जो है वो शॉर्ट टाइम में सक्सेसफुल होने का नहीं है, एज अ डिजीमेंटो एज अ टीम हमारा एम जो है वो लॉन्ग टाइम में सक्सेसफुल होने का है, और लॉन्ग टाइम में हम सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं जब स्टूडेंट सक्सेसफुल हो, बिल्कुल वेरी फ्रैंक, ठीक है ना। और स्टूडेंट कब सक्सेसफुल होगा, जब उसे जो हम मटेरियल प्रोवाइड करें उस मटेरियल का यूज करके वो गेट में एक अच्छा रैंक अचीव करे, वो लाइफ में कुछ अचीव करे, वो अपना कैरियर बनाए, ठीक है ना। तो यही हमारा एम है बेसिकली, ओके। और जब 20 टू 25 वीडियोस आपको अवेलेबल रहती हैं, उन्हें आप समझ जाते हैं, तो आप आगे आने वाली वीडियोस भी समझ जाएंगे, ठीक है, ऐसा हम मान के चलते हैं, ओके। तो यही रीजन है कि हमने इतनी सारी वीडियोस डाली हुई हैं, ठीक है। हम कम वीडियो डाल के, 2-3 वीडियो डाल के भी वीडियो सेल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारा टारगेट नहीं है, ठीक है ना। सेलिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, इंपॉर्टेंट क्या है हमारा कि लॉन्ग टाइम में हम भी सक्सेसफुल हों और लॉन्ग टाइम में स्टूडेंट भी सक्सेसफुल हो, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लॉजिक क्लियर है आप लोगों को, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं वाई डिजीमेंटो और वाई नॉट डिजीमेंटो, ये भी पॉइंट आपके दिमाग में आ सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हर एक स्टूडेंट की, अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपनी चॉइस होती है, ठीक है, अपना लेवल होता है कि वो किन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकता है, किन चीजों को नहीं कर सकता, और किस तरह से कर सकता है, वाया वीडियो लेक्चर कर सकता है कि वो वाया कोचिंग सेंटर ही कर सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट अब मैं लेने जा रहा हूं, जो इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट है, वो है 90 डेज में आप कैसे प्रिपरेशन करें, ओके। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, ओके, इन 90 डेज विथ डिजीमेंटो, ओके। तो 90 डेज में कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं डिजीमेंटो के साथ, ओके। तो जैसा मैंने कहा कि हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, ओके, तो 90 डेज में आप कैसे इन वीडियो लेक्चर्स को समझ के या सुन के, ठीक है, या अपने डाउट्स ईमेल के थ्रू हमें भेज के गेट क्लियर कर पाएंगे, क्लियर नहीं कहूंगा, गेट में अच्छा रैंक ला पाएंगे। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ 90 डेज है, ठीक है ना, मैं यहां पर 90 डेज के लिए ही वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको समझना होगा कि डेली आपको 6 आवर्स की वीडियोस स्टडी करने ही होंगे, ओके, डेली 6 आवर्स, ओके। अगर मैं यहां पर रफली मान के चलूं, तो कोई भी जो आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो अराउंड 50 आवर्स का होता है। कुछ सब्जेक्ट आपके 30 टू 40 आवर्स के भी होंगे, कुछ सब्जेक्ट आपके 70 टू 80 आवर्स के भी होंगे, बट ऑन एन एवरेज पर सब्जेक्ट 50 आवर्स का होता है, ऐसा मैं लेके चल रहा हूं। और 8 to 9 सब्जेक्ट हर एक ब्रांच में होते हैं गेट में, ओके। तो यहां पर जो टोटल है वो 450 टू 500 आवर्स आपको चाहिए ही चाहिए, क्लियर है पॉइंट यहां पर अच्छे से।
तो यहां पर अगर आप डेली 6 आवर्स 90 डेज छोड़िए, 10 डेज को मैं यहां पर आपके टेस्ट वगैरह के लिए अलग कर देता हूं, टेस्ट और रिविजन के लिए, तो 80 डेज में भी अगर आप डेली 6 आवर्स स्टडी करते हैं, ठीक है ना, वीडियो सुनते हैं और अच्छे से समझते हैं, ठीक है, तो आपका सिलेबस जो है वो कवर हो सकता है, बहुत अच्छे से कवर हो सकता है। एक पॉइंट और समझिएगा यहां पर, 90 डेज में हम आपको बोल रहे हैं कि आप गेट क्रैक कर सकते हैं, अच्छा रैंक ला सकते हैं, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वीडियोस की क्वालिटीज जो है वो 90 डेज के हिसाब से हमने कम कर दी हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम 90 डेज के लिए दें आपको वीडियोस, चाहे हम आपको बोले आप 200 डेज में गेट क्लियर करिए, ठीक है, वीडियो जो होगी बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है, चाहे आप डेली का 2 आवर्स ही वीडियो सुनिए, चाहे आप डेली का 6 आवर्स सुनिए, वीडियो की क्वालिटीज जो हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगी। हम बिल्कुल भी वीडियो की क्वालिटी या टीचिंग क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आपको 90 डेज में गेट में अच्छा रैंक लाना है तो आपको डेली 6 आवर्स की वीडियो एटलीस्ट, आप 7 भी कर सकते हैं लेकिन 6 तो आपको एटलीस्ट सुननी ही होगी, ठीक है। नो डाउट किसी ब्रांच में हो सकता है कि 550 टू 600 आवर्स की भी वीडियोज हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट करनी होगी, ओके। यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है यहां पर इंपॉर्टेंट, कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करें, ठीक है, तो आप उस सब्जेक्ट को पूरा एंड करें। ऐसा नहीं है कि आज आपने कंट्रोल सिस्टम की 2 आवर्स की सुनी, फिर आप 2 आवर्स की सिग्नल सिस्टम की सुन रहे हैं, ऐसा मत करिए, ठीक है। ये एक्चुअली आप कहीं पर करिए, कोचिंग सेंटर में पढ़िए, चाहे आप पोस्टल के थ्रू स्टडी करिए, चाहे आप वीडियो के थ्रू करिए, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, एक सब्जेक्ट को पूरा एंड करिए, उसके बाद ही आप नेक्स्ट सब्जेक्ट लीजिए, ओके। तो यहां पर सब्जेक्ट, ठीक है, जब भी आप सब्जेक्ट को स्टार्ट करें तो आप सब्जेक्ट को एंड तक स्टडी करिए, ओके। जैसे सपोज करिए आपका एक सब्जेक्ट 50 आवर्स का है, ठीक है, तो रफली मैं लेके चल रहा हूं कि आपको 8 to 9 days, ओके, आपको लगेंगे सब्जेक्ट को स्टडी करने में, ओके, 8 to 9 days पर सब्जेक्ट, ओके। हो सकता है स्टार्ट में आपको ज्यादा समय लगे और बाद में आपको 5 to 6 days में भी आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाए, ठीक है, क्योंकि वीडियो में आपका एक और एडवांटेज होता है। देखिए, जो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं पहले से ही, या जो टॉपिक्स आपको बहुत इजी लगते हैं, उन्हें आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी सुन सकते हैं, उन्हें आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है ना, या जो टॉपिक्स आपको बहुत टफ लगते हैं उनको आप दोबारा भी सुन सकते हैं, ओके। तो ये डिपेंड करेगा एक्चुअली कि सब्जेक्ट टफ है कि सब्जेक्ट ईजी है आपके लिए, ठीक है, उसके हिसाब से आपके ये 8 to 9 days भी हो सकते हैं, 12 days भी हो सकते हैं, और हो सकता है 4 to 5 days भी हो जाएं, ओके? तो इस तरीके से वीडियो में आपको एडवांटेज मिलता है, ओके? नाउ, जैसे आपने 8 to 9 days में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आप टेस्ट दे दीजिए उस सब्जेक्ट का, ठीक है, टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सब्जेक्ट फिनिश करें तो आपको टेस्ट दे के ये पता चल जाता है कि आपने कितना सीखा है या कितना नहीं सीखा है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में, ये आपको ये बता देते हैं कि आप अभी किस लेवल पर हैं, ओके। वैसे मैंने टेस्ट किस तरह से देना चाहिए, शेड्यूलिंग क्या होनी चाहिए, इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने और भी बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, सक्सेस मंत्रास फॉर गेट 2019, ओके, तो उसे आप जरूर फॉलो करिएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो टेस्ट वगैरह की शेड्यूलिंग है वो किस तरीके से करनी चाहिए, ओके। नाउ, यहां पर अगर मैं देखूं तो टेस्ट तो आपको देना ही है, लेकिन यहां पर एक और पॉइंट है कि जब आप डेली 6 आवर्स स्टडी करते हैं, तो जैसे आपने मान लीजिए एक टॉपिक फिनिश किया, तो उस टॉपिक के लिए आप उसी दिन ही प्रैक्टिस प्रॉब्लम अलग से कर लीजिए, ओके। हम तो आपको प्रॉब्लम्स कराएंगे ही वीडियोस में, ओके, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करवाने के लिए, लेकिन आप भी जो टॉपिक आप एक दिन में सीख रहे हैं उसके प्रॉब्लम्स 8 to 10 problems, 15 problems, जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप सॉल्व कर लीजिए, ओके, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। नाउ बैक टू टेस्ट अगेन, जब भी आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट देने के बाद आप उस टेस्ट का पूरी तरीके से एनालिसिस करिए कि कहां कमियां रह गई, और जहां कमी रह गई है, जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए हैं, उस टॉपिक की वीडियो को आप दोबारा सुनिए और देखिए क्या दोबारा सुनने के बाद वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिविजन, ओके। जैसा मैंने कहा कि जब आपने एक बार वीडियो पढ़ ली तो आपको वो टॉपिक अब आसान लगने लगेगा, ठीक है,
तो आप रिवीजन जो है वो फास्ट फॉरवर्ड मोड में कर सकते हैं, ठीक है ना। आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में सुनकर रिवीजन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप टॉपिक्स भूल जाएंगे, आप कंसेप्ट भूल जाएंगे, ठीक है। तो 8 to 9 days में सब्जेक्ट फिनिश करिए, टेस्ट दीजिए और रिवीजन करिए, ये आपका एक पूरा शेड्यूल होना चाहिए, ओके ना। उसके बाद फिर आप न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर दीजिए, ओके। न्यू सब्जेक्ट जब आप स्टार्ट करें तो आप फिर से सेम प्रोसीजर करिए, लेकिन यहां पर एक और करेक्शन है, वो ये है कि जब आप न्यू सब्जेक्ट को फिनिश कर ले रिवीजन सहित, उसके बाद आप पुराने सब्जेक्ट का एक बार वेरी वेरी फास्ट फॉरवर्ड मोड में फिर से रिवीजन करिए, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। ये पॉइंट मैं बार बार बोल रहा हूं, और इसके लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाई हुई है, सक्सेस मंत्रास फॉर गेट 2019, इसे आप जरूर फॉलो करिएगा। ये पॉइंट भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि वो वीडियो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। यहां पर अगर मैं देखूं तो इस तरह से आप 80 days में सब्जेक्ट फिनिश कर सकते हैं, और साथ में मैंने 10 days जो है टेस्ट वगैरह के लिए अलग रख दिए हैं, ओके ना। जब आप 90 days में ओवरऑल अपने पूरे सब्जेक्ट फिनिश कर लीजिए, उसके बाद आप लास्ट में अपने लिए कुछ दिन रखिए एक्स्ट्रा, ताकि आप फुल लेंथ टेस्ट दे सके, ओके। फुल लेंथ टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगेन मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, इसको आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, सक्सेस मंत्रास वाली वीडियो में, फुल लेंथ टेस्ट की किस तरह से शेड्यूलिंग करनी है, कितने टेस्ट आपको देने हैं, किस तरीके से प्लानिंग रखनी है, सब कुछ, ओके। तो आप फुल लेंथ टेस्ट के लिए 10 days एक्स्ट्रा रखिएगा अपने पास, एटलीस्ट 10 to 15 days। यहां पर मैं शॉर्ट टाइम के लिए आपको बता रहा हूं, अदरवाइज फुल लेंथ टेस्ट के लिए आपको एटलीस्ट 1 month या 2 month एक्स्ट्रा रखना चाहिए, ओके नाउ। यहां पर इस तरह से अगर आप फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आप जरूर ही 90 days पे पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर लेंगे, ओके। यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका डाउट्स, ओके। डाउट्स के लिए आपको क्या करना है कि डाउट्स के लिए आप लोग हमारे ईमेल आईडी पे मेल करिए, doubts@gatelectures.com, ठीक है। उससे आपको क्या होगा, आपको तुरंत ही डाउट का रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है, कुछ आवर्स में या 1 या 2 days में आपको डाउट्स के रिप्लाई मिल जाएंगे, ठीक है, और उससे आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि डाउट्स अगर आप पूछेंगे नहीं और अपने मन में रखे रहेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो एक्चुअल में वो टॉपिक आपका कभी फिनिश ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो डाउट्स आप लगातार पूछते रहिएगा हमसे, ठीक है, आप हमारी ईमेल आईडी पे मेल करिएगा, ओके, उसके बाद ही आप टॉपिक्स पे आगे बढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, ओके। तो यहां पर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं 90 days में, ओके, क्लियर है पॉइंट। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए, वो होगा सब्जेक्ट का सीक्वेंस, ओके। जब भी आप स्टडी करें, आप सब्जेक्ट को एक सीक्वेंस में स्टडी करें, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि गेट में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो अदर सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, ओके। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब्जेक्ट आप सीक्वेंस वाइज ही पढ़िए, जो सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना है उसे पहले पढ़िए, ऐसा नहीं है कि आप सिग्नल सिस्टम को लास्ट में स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि सिग्नल सिस्टम जो है वो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम को अफेक्ट करता है, वो आपका अफेक्ट करता है कंट्रोल सिस्टम को, ठीक है। तो आप उन दो सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले जरूर ही सिग्नल सिस्टम स्टडी करिए। सेम अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, तो ये आपका अफेक्ट करता है लगभग लगभग हर एक सब्जेक्ट को, ठीक है, बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो आप स्टार्ट करें, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हों, वो होना चाहिए आपका मैथमेटिक्स। आप मैथ्स को पहले जरूर पढ़ लीजिए, अदरवाइज आपका कैलकुलेशन ही नहीं हो पाएगा बाकी के सब्जेक्ट्स में, ठीक है। आप करके देखिएगा, आप किसी भी सब्जेक्ट्स में जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपको बेसिक मैथ्स चाहिए होता है, ठीक है, और मैथ्स वैसे भी गेट के एग्जाम में 15 मार्क्स का आता है। तो इससे आपके लिए दो फायदे हो जाते हैं, एक तो आपको 15 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और दूसरा बाकी सब्जेक्ट्स में कैलकुलेशन आपका बहुत ईजी हो जाता है, ओके। तो आपको सब्जेक्ट का सीक्वेंस फॉलो करना है, इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, ठीक है ना, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, ठीक है, टू अचीव 1 rank इन गेट 2019, ओके, इसे भी आप जरूर फॉलो करिएगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सब्जेक्ट का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ओके, ठीक है। तो ये टोटल आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है
कि आप 90 डेज में गेट में कैसे एक अच्छा रैंक अचीव करें. ओके, ये स्ट्रेटजी उन लोग के लिए ज्यादा बेटर है जिन लोग 90 या 100 डेज ही दे सकते हैं. ओके, जिन लोग पूरा टाइम दे सकते हैं, जिन लोग 6 टू 8 मंथ्स दे सकते हैं, ठीक है, वो अगेन मेरी वीडियोस जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी है उसको फॉलो कर सकते हैं. वहां मैंने आपको प्रॉपर टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि किस तरह से आप टाइम रखिए अपना. ओके, तो यहां पर छोटा सा करेक्शन हो जाएगा बस. अगर आप लंबा टाइम दे सकते हैं तो आप डेली आप 1 या 2 आवर्स की ही वीडियो स्टडी करिए, दैट्स इट. और बाकी सब चीजें आपकी बिल्कुल सेम होगी. यहां पर आपके डेज बढ़ जाएंगे, बाकी टेस्ट, रिविजन, फुल लेंथ टेस्ट, डाउट्स, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है. लेकिन लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप डेडिकेशन के साथ स्टडी करते हैं तो 90 डेज बहुत होते हैं गेट की प्रिपरेशन करने के लिए, गेट में एक बहुत अच्छा रैंक लाने के लिए. ओके, आई होप आपको इस वीडियो से काफी नॉलेज मिला होगा. ओके, और लास्ट में अगेन मैं रिपीट करूंगा कि आप वो जो दो वीडियोस मैंने आपको बताई हैं, सक्सेस मंत्रास फॉर गेट 2019 एंड सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, इन दोनों को जरूर फॉलो करिएगा. ओके, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. और इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.